दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एज। दोस्तों पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, जल का पृष्ठ तनाव केशनली द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित परीक्षण प्राप्त हुए। केशनली का व्यास डी बराबर 0.125 सेंटीमीटर तथा केशनली में जल का उन्नयन एच बराबर 1.43 सेंटीमीटर। सूत्र टी बराबर आर जी एच अपान टू के प्रयोग द्वारा पृष्ठ तनाव टी के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। एक है दोस्तों, यहाँ टी बराबर दिया है, डी बराबर 0.125 सेंटीमीटर। अब डेल्टा डी बराबर, आप जानते हैं दोस्तों जितना अंक इधर उतना भी अंक 0.00 आखिर में एक बाकी 0 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों एच बराबर 1.43 सेंटीमीटर, डेल्टा एच 0.01 सेंटीमीटर। सूत्र दिया है, टी बराबर आर एच जी अपान टू। यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है, मान इसका व्यास का दिया हुआ है, इसलिए त्रिज्या आर में संबंध डी बराबर 2R। हम जानते हैं R बराबर डी बाई टू। आर के स्थान पर डी बाई टू का प्रयोग करेंगे, टी बराबर डी बाई टू एच जी अपान टू। टी बराबर डी जी एच अपान फोर। टी बराबर डी एच जी अपान फोर। देखिए दोस्तों, यहाँ गुरुत्व के त्वरण इसमें जो संभावित त्रुटि आएगी वो डी तथा एच में आएगी। गुरुत्व त्वरण का मान यहाँ नहीं लेंगे, प्रतिशत अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा टी अपान टी पूरे 100 बराबर डेल्टा डी अपान डी प्लस डेल्टा एच अपान एच गुड़ी 100 बराबर डेल्टा डी का मान 0.001 अपान डी का मान 0.125 प्लस डेल्टा एच का मान 0.01 अपान 1.43 बराबर 0.00 के नीचे दशमलव हटा देंगे, 1/125 प्लस 1/43 इसको भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा 0.008 प्लस 0.0069 इसको जोड़ेंगे 0.0149 100 का इसमें गुणा करेंगे तो 1.49। इसका सही करके लिखेंगे दोस्तों तो 1.5% यही हमारा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक कटोरी में फन की चाल बी बराबर अंडर रूट टी बाई एम, जहाँ टी बराबर एम जी है, प्रयोग द्वारा एम बराबर 2.0 किलोग्राम तथा एम बराबर 1.5 ग्राम प्रति मीटर बी के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। दिया है बी बराबर अंडर रूट टी बाई एम, टी बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों एम एम जी, तो हमारा सूत्र बनेगा बी बराबर रूट एम जी अपान एम। तो बी के मान में संभावित प्रतिशत त्रुटि, बी के मान में संभावित प्रतिशत त्रुटि डेल्टा बी अपान बी कुल उत्सव बराबर डेल्टा एम अपान एम प्लस डेल्टा एम अपान एम उड़ीसो। यहाँ भी जी का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। डेल्टा वी पान वी उड़ीसो बराबर डेल्टा एम का मान, यहाँ दोस्तों तो रूट हटेगा तो बाहर 1/2 आ जाएगा। डेल्टा एम का मान 0.1 अपान एम का मान 2.0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस डेल्टा एम का मान 0.1 अपान 1.5 बराबर, यहाँ दशमलव हटा देंगे 1/20 प्लस 1/15 इसको जब भाग करेंगे 0.005 प्लस 0.006 इसको जब जोड़ेंगे दोस्तों 1/2 तो जोड़ेंगे 0.1150 का 0.116 में पूरा करेंगे तो हमारा 5.8% यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रयोग में ये बराबर 2.154 का मान बी बराबर 2.0 का मान सी बराबर 0.368 मान प्राप्त किए। सूत्र जेड बराबर ए क्यू बी सी के पावर -2 प्रयुक्त होता है। जेड के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। यहाँ ये बराबर 2.154 तो यहाँ डेल्टा ए का मान निकालेंगे, डेल्टा ए बराबर 0.001 आखिर में एक बार से 0। बी बराबर दिया है 2.0 डेल्टा बी बराबर
0.1 सी बराबर 0.364। डेल्टा सी का मान निकालेंगे बराबर 0.001। सूत्र दिया है जेड बराबर ए क्यू बी सी पावर -2। प्रतिशत त्रुटि बराबर जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा जेड अपान जेड गुणे 100 बराबर ये क्यूब, तो थ्री बाहर आ जाएगा, तो डेल्टा ये अपान ये प्लस डेल्टा बी अपान बी। अधिकतम पूछ रहा है इसलिए -2 के जगह +2 इंटू डेल्टा सी अपान सी गुणे 100 बराबर 3। डेल्टा ये का मान 0.001 अपान ये का मान 2.154 प्लस बी का डेल्टा बी का मान 0.1 अपान 2.0 प्लस 2 इंटू डेल्टा सी का मान 0.001 अपान 0.36 बराबर 3 × 10 के नीचे 10 हटा देंगे 1/2154 प्लस 1/20 प्लस 1/3 अब ये तीन में गुणा कर देंगे तो 3/2154 प्लस 1/20 प्लस 2 इसमें गुणा कर देंगे इसको भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा 0.00014 प्लस इसको भाग करेंगे 0.05 प्लस इसको भाग करेंगे 0.00054 इसको जोड़ेंगे दोस्तों 0.05682 का गुणा करेंगे 5.682% परसेंट यही आंसर होगा।